1927 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर ठाकुर का जन्म हुआ था। इन्होंने देश के कई मशहूर संस्थानों में अपना अहम योगदान दिया था। रामेश्वर ठाकुर भारत के कई राज्यों में राज्यपाल भी रहे। 2004 में रामेश्वर को उड़ीसा के राज्यपाल पद के लिए चुना गया। इसके अलावा इन्होंने 2006 से 2007 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। रामेश्वर 2007 से 2009 तक कर्नाटक के राज्यपाल और 2009 से 2011 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। शिक्षा, समाज सेवा और ग्रामीण विकास के कामों में रामेश्वर ठाकुर की विशेष रुचि थी। इन्होंने आदिवासियों, हरिजनों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए भी काम किया। 1972 में आज ही के दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार का निधन हुआ था। वह पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी के नेता थे। इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन से की थी। मजूमदार ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज की स्थापना की थी। भारत की मार्क्सवादी पार्टी का गठन भी इन्हीं की देन है। वह इस पार्टी के महासचिव भी रहे और इन्होंने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत की थी। 1976 में आज के दिन चीन की राजधानी बीजिंग में भूकंप आया था। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 8.3 दर्ज की गई थी। भूकंप में लाखों लोगों के मारे जाने की खबर थी। इस भूकंप से बीजिंग के उत्तर पूर्व में बसा शहर तांगशान का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। शहर के सबसे बड़े अस्पताल की इमारत ढह गई थी, जिसमें उस वक्त करीब 2000 लोगों के मौजूद होने का अनुमान था। मरने वालों की संख्या करीब 2.5 लाख थी। तांगशान शहर के फिर से बसाने का काम शुरू किया गया और धीरे धीरे पूरे शहर को नए तरीके से बनाया गया। अब तांगशान को चीन के साहसी शहर के नाम से जाना जाता है। 2005 में आज ही के दिन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA ने आधिकारिक तौर पर अपने सशस्त्र अभियान को रोकने की घोषणा की। एक बयान जारी करते हुए IRA ने कहा था कि वो अब लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी। साथ ही IRA ने सभी इकाइयों को हथियार छोड़ देने का आदेश दिया था। आर्मी के सभी स्वयंसेवकों को आदेश दिया गया कि वो राजनीतिक और लोकतांत्रिक कार्यक्रम बनाएं और इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके का इस्तेमाल करें। उत्तरी आयरलैंड में ब्रितानी मौजूदगी समाप्त करके एक संयुक्त आयरलैंड की स्थापना करना IRA के हिंसक अभियान का लक्ष्य था। एक अनुमान के मुताबिक IRA के 30 वर्षों की हिंसक गतिविधियों के दौरान करीब 1800 लोगों को मारा गया था। और 28 जुलाई हर वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में जीव जंतु और वनस्पति की कई प्रजाति विलुप्त हो रही हैं। इन विलुप्त होते हुए जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा करना विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य है। जल, जंगल और जमीन, इन तीन तत्वों के बिन जीवन और प्रकृति दोनों ही अधूरी है। विश्व में सबसे समृद्ध देश वही हुए हैं जहां ये तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। भारत अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए हमेशा से मशहूर रहा है।